हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल में साकब डिज़ाइनर के। तो इसमें मैं इंशाल्लाह आप सबको डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से सिखाऊंगा, और जो जो मुझको काम मिलता है या आता है वो इंशाल्लाह मैं इसी चैनल में आपको सिखाऊंगा। तो हमारी टारगेट हो गया वो ये है कि लेडीज़ सूट हम डिजिटल बनाएंगे, जो कि मैं एक प्रोफेशनली काम करता हूँ। तो जो मैं काम कर रहा हूँ, जो फाइबर पे करूँगा या इंडस्ट्री में करूँगा या जिस रिलेटेड भी किसी का कस्टमर का करना पड़ता है, तो वो मैं सब का सब आपके साथ इसी चैनल में शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह हम इस जो मैं आपको एक वीडियो में समझा दूँ, जो मैं क्लास दे दूँ, तो वो काइंडली आपने असाइनमेंट करके दिखानी है, ठीक है। और बाकी डिस्कशन जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे, जो कि हर वीडियो के नीचे कॉन्टेक्ट में दिया गया है ग्रुप का लिंक और नंबर भी। तो जो भी ग्रुप में आएगा, जो डिस्कशन करेगा, हम उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, हो गया। नेक्स्ट, मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपका अडोब फोटोशॉप आपको फुली टूल्स आपको आने चाहिए। तो हम यहाँ से बेसिक से लेके एंड तक डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से सीखेंगे। तो आपकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो कम से कम ये आप जो मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने है कि 8 GB रैम i5 है, 3rd जनरेशन है, ठीक है। तो हार्ड जितनी मर्जी आप लगा लें, ठीक है। और 64 आपने विंडो की करनी है, 64 वाली ही विंडो अडोब फोटोशॉप के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो और क्रैक वगैरह जो अडोब फोटोशॉप मिलेंगे वो मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि यहाँ से आपको अडोब फोटोशॉप मिलेगा, ठीक है। जिसके सिस्टम में ये मसला आता है कि अडोब फोटोशॉप की फाइल रुक जाती है या करप्ट हो जाती है या उसकी कभी कभी सेव नहीं होती, तो वो काइंडली अपनी जो सी ड्राइव है आपकी, जो ये वाली सी ड्राइव होती है, इसकी कम से कम आपने स्पेस ज़्यादा रखनी होती है। मेरी देखेंगे 118 GB किया है और 45 यूज़ हो चुकी है, ठीक है। तो आपने ये कम से कम इसकी सी की ड्राइव आपने ज़्यादा रखनी है। वो इसलिए ज़्यादा रखनी है कि जब आप अडोब फोटोशॉप पे हैवी काम करते हैं, ठीक है, कोई हैवी फाइल बनाते हैं, हाई रेजोल्यूशन हमने मोटिव यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उस फाइल पे बर्डन तो पड़ेगा, तो इसलिए जैसे ही बर्डन बढ़ता है तो वो सी ड्राइव में भी ई पड़ता होता है, ठीक है। तो आपने इसकी ज़्यादा रखनी होती है स्पेस, ठीक है। तो ये एक बात आपने लाजमी कर लेनी है। तो दूसरी बात ये है कि मैंने 2019 किया हुआ है अडोब फोटोशॉप, तो आपने एक ये भी कर लेना है, क्रैक कर लेना है। तो ये कहाँ से लेना है इसका लिंक मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बता भी दूँगा कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। तीसरी बात जो हम करेंगे वो ये है कि आपने पिंटरेस्ट, शटरस्टॉक और फेसबुक तो खैर मेरा वहाँ पे चैनल है, वहाँ से अभी आप वीडियो देख सकते हैं और यूट्यूब से भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पिंटरेस्ट का मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग यहाँ से करनी है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही पेज से आप करें, लेकिन मैं अपने पेज को, अगर आप मेरे पेज फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह के PNG मोटिव मिलेंगे और साथ साथ मेरे डिज़ाइन भी मिलेंगे जो कि मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ओके, इसका मतलब PNG और JPG इस और टिफ फाइल अडोब फोटोशॉप में यूज़ होती है, जो कि टिफ फाइल जो हमारी होगी वो ये है कि हमारी एडिटेबल फाइल होगी। मसलन के हम उसके कलर चेंज करेंगे, मोटिव को चेंज करेंगे, तो वो हमारी टिफ फाइल होगी। और JPEG हमारी फाइल वो होगी, JPG कहते हैं हम, जो कि ये आपको नज़र आ रही है इसे हम JPG कहते हैं। और जब मैंने आपको कहना है मॉकअप मुझे रेडी करके दें, तो फिर आपने इस तरह बना के देना है, मतलब कि कमीज़ इस तरह लगानी है, दुपट्टा इस तरह लगाना है, और जो मॉडल होनी है वो ये रखनी है,
और इस पूरे को मोकअप कहते हैं, ठीक है, और इसको मॉडल कहते हैं, और ये कमीज़ और ये दुपट्टा हो गया, ठीक है। और मेरे इस पेज को फॉलो करने का आपको ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन के मोटिव मिल जाएंगे। अब मैंने ये पहले से दूसरे टैब में ओपन करके रखे हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरा नेट का मसला है, ठीक है। तो ये मैंने जो ओपन किए हुए हैं ये दो पिक्चरें हैं जो कि आपके सामने ये नज़र आ रही हैं। तो आपने जस्ट राइट क्लिक करना है, ओपन कर लेना है और इस तरह ये आपका ओपन होते जाना है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने ओपन कर रखा है ऐसे ही, जिस तरह से ये हो रहा है तो ये स्लो है, तो इस तरह इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको और जूम हो के दिखाएगा कि कितना हाई रेजोल्यूशन और मोटिव अच्छा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे राइट क्लिक करके सेव कर लेना, लेकिन ये JPG में है, ठीक है। कुछ इमेज मैं JPG में अपलोड करूँगा, ठीक है, और कुछ मैं ये देखें ये हाई रेजोल्यूशन है, इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो ये देखें आपका किस तरह से आपको मोटिव मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ये देखें PNG है, ठीक है। इस तरह से आपने अपने पास सेव करते जाना है। तो मैं सारे अपने मोटिव ये अभी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये वाली फाइल, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन की फ़ाइल है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा और इस तरह से ये नीट होगा, ठीक है। जो जो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा वो आपके नीट होंगे, ठीक है। और ये मैं बाकी डिज़ाइन अपलोड करता रहूँगा जो कि मैं बनाता रहता हूँ, तो वो यहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा तो वो आपके आइडिया के लिए होंगे, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसमें ग्रेडिएंट देंगे, इसको हम डिजिटल टेक्सचर डिज़ाइनिंग कहते हैं, ठीक है। ग्रेडिएंट देंगे, फ्लिप टाइप के बनाएंगे, बोल्ड डिज़ाइन बनाएंगे। बोल्ड डिज़ाइन हाँ, मैंने यहाँ पे नीचे कुछ उसके मोटिव वगैरह ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और बाकी भी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो ये आपने यहाँ से जस्ट फॉलो कर लेना है, साकु डिज़ाइनर के नाम से है, और ये लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। दूसरी बात, आपने साकु डिज़ाइनर का ये पेज जो नीचे लिखा हुआ है वो भी आपने फॉलो कर लेना है। तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा नेट का मसला है। तो चलें ओके, ये दो मैंने पिक्चरें आपको ओपन करके दिखा दी हैं कि इस तरह से आपको इस पिंटरेस्ट पे मिलेगा। तो बाकी सर्चिंग आपने यहाँ से कर लेनी है, वो इंशाल्लाह हम सर्चिंग वाली क्लास में रखेंगे, ठीक है। तो आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि मैं अपनी हर क्लास आपको दूँ, आप तक पहुँचाऊँ और आप सीखें, और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को सीखें और जॉब करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।